और बारिश ख़त्म हो गई और धूप निकल आई। ये असल में उस वक्त मेरा फ़ोन जवाब दे गया था तो मैंने पूरा नहीं किया था, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाकी रह गया है तो इसे भी पूरा कर ही दूँ, दिखा दूँ। ये देखें, ये है यूरोफोबिया, कितना खूबसूरत निकला हुआ है। जैस्मीन का है, कुछ भी नहीं निकला हुआ अभी इसमें। कनेर, और ये देखिए ये ऑर्नामेंटल है और इसमें खूब सारी फूल आए हुए हैं वाइट कलर के, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी इसके अंदर फ्रूट्स भी आ जाएंगे। कितने सारे फूल निकले इस पे, इतनी खूबसूरत। सुबह मैंने मक्खी देखी थी, एक इतनी खूबसूरत थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत मक्खियाँ भी हो सकती हैं, बहुत खूबसूरत। ये अमरूद का है, इसमें भी बहुत सारी नई शूट्स आ रही हैं। और ये नागचंपा है, इसमें कॉक्स मूस लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत। इतना बड़ा सा, इतना भारी है कि अपना वजन खुद नहीं उठा सकता, इसे टिकाया हुआ है हमने। ये है फाइकस, और ये गुलाब के देखें कितने खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। ये बारिश की वजह से शायद थोड़ा सा वो हो गया। ये एक निकला हुआ है, सुबह तक एकदम जबरदस्त हो रहा था। मेपल लीफ, एक और गुलाब का पौधा बढ़ जा रही है इसमें। टिकोमा, इतने छोटे से पौधे में इतने सारे लगे हुए। इसकी लेंथ देखिए टर्टल वाइन की, और अभी ये ज़रा पीला हो रहा है क्योंकि सर्दियों में ये थोड़े से वो हो जाते हैं, अभी जब गर्मी आएंगी तो इसकी ब्लूम देखने के काबिल होगी। कितने छोटे से पॉट में लगा रहा है, देखिए पॉट का साइज़ देखें, मेरे ख्याल से 3-4 इंच का होगा। I love this one. सीढ़ी पे लगाया हुआ है। धूप निकलने के बाद के मनाजिर हैं जनाब ये। काश बारिश होती रहती है, होती रहती। कराची वालों को तो बारिश की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराची वाले बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे ये साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छी सर्दी।
खूब मज़ा किया कराची हाइट्स ने अब की दफ़ा।